सो ये वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर दिव्या के लिए बना रही हूँ, दिव्या भटनागर के लिए, मेरी गोलू मोरू सी क्यूटी सी, शी लेफ्ट अस, शी लेफ्ट मी। अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरीके से वो जिंदगी जिएगी, इंडिपेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रांग करेगी, एंड सी। एंड आई पर्सनली फील कि भगवान शायद खुद उसकी सफरिंग देख नहीं पाए, अंकल उसकी सफरिंग देख नहीं पाए। इतने सालों में, पिछले 9-10 सालों में, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया, या किसी को दुख भी पहुंचाया है। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है, स्पेशली द रिलेशनशिप्स। ये हर एक लड़की गलती करती है, एक रिलेशनशिप से गंदे से धोखा खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहारा दे देता है, वो लड़की बिना सोचे समझे उसे अपना सहारा मान लेती है, बिना उसका बैकग्राउंड जाने, बिना कुछ जाने। और दिव्या तो मासूम थी, एकदम भोली थी, उस पागल को तो मैं समझाती थी। मतलब अगर मैं उसे समझाती होंगी तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके की थी। मैं खुद इतनी इमोशनल हूं तो वो मेरा 1000 गुना थी। आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत जरूरी है ये बनाना, एंड स्पेशली उस इंसान के लिए जिसके वजह से मेरी दिव्या ने इतना सफर किया। आई नो कि आज दिव्या के साथ जो भी हुआ, दिव्या हमारे बीच में नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड, बट जो मेंटल स्ट्रेस, जो फिजिकल अब्यूज उसके साथ हुआ है, कोई भी इंसान अगर उस फेस से गुजरता तो छोटी सी एक बीमारी से भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती। ये तो फिर भी कोविड था। बहुत ही शराफत से, बहुत ही शांति से मैं आप सबको ये चीज बता रही हूँ, एंड स्पेशली टू यू गगन गबरू। उस दिन तूने क्या पोस्ट किया था कि उसकी माँ और भाई तेरे रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट थे और वो नहीं चाहते थे तेरी शादी होए, और तेरे नाम पे वो पब्लिसिटी ले रहे हैं। तेरी औकात क्या है? क्या औकात है तेरी? तू कौन है? तू यहाँ पे जो 4-5 जो गिने चुने आर्टिस्ट को भी जानता है ना, वो दिव्या के बदौलत भीख मांग के तू हिमाचल से दिव्या के साथ यहाँ रहने आया था, और जो तेरे अगेंस्ट में सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, मैं भी खड़ी थी। इसलिए वो 4 साल मेरी दिव्या से बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तू ऐसा ही निकलेगा। पर दिव्या तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी अंधी हो गई थी, तूने तेरे बातों में इतना फंसा लिया था कि उसको आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए ना अपने माँ बाप की सुनी, ना भाई की सुनी, ना मेरी सुनी, ना बाकी दोस्तों की सुनी, और जिसके वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। समझा? तू पब्लिसिटी देगा, तुझे मैं पब्लिसिटी दे रही हूँ, अब तू ले पब्लिसिटी मेरे से। तुझे मैंने कहा था ना, तेरा काला चिट्टा खोल के रख दूंगी मैं, और अब देख ये शुरुआत है। तुझे मैंने ऊपर से नीचे तक एक्सपोज नहीं किया ना, तो फिर तू बता मुझे। तो तेरे अगेंस्ट जो हम लोग खड़े थे वो इसके लिए गगन गबरू, क्योंकि तू मोलेस्टेशन एक केस में, शिमला में तेरे ऊपर केस चल रहा था, और जिसकी सजा 6 महीने जेल में रह के तू लास्ट ईयर भुगत के आया है, वो भी बेल पे, और अभी कभी भी तू अंदर फिर से जा सकता है, और अभी तू जाएगा ही, क्योंकि तूने जो मारपीट की है दिव्या के साथ इतने सालों तक, तूने जो टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रेस में आ गई, इतनी बीमार पड़ गई, उसको डायबिटीज हो गया, हर एक चीज तेरे वजह से हुआ है जो तूने उसको टॉर्चर किया है।
तुझे क्या लगा कि दिव्या चली गई तो तू अभी अय्याशी करेगा तेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ? तो सुनो, सो कॉल गर्लफ्रेंड्स जो दिल्ली में और कहां कहां तुम लोग बैठे हो ना, भलाई तो इसी में ही है कि तुम लोग भी इसके ऊपर एनसी करके सेफ हो जाओ, क्योंकि कहीं ये ना हो आज दिव्या है और कल दिव्या की जगह पे तुम लोग हो जाओ। सो अपने आप को बचा लो और इसके ऊपर एक एनसी करके डाल दो, क्योंकि ये ऐसा ही है और पता नहीं अगर इसको अगर हमने अभी नहीं रोका और आगे जाके किस किस लड़कियों की जिंदगी ये बर्बाद करेगा। सो एंड दिस इज टू ऑल द इंडस्ट्री पीपल, जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी इस आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज इसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। हिमाचल शिमला पुलिस स्टेशन में जहां से भी ये है वहां का पुलिस स्टेशन, वहां के जेल का पता कीजिए इसका अच्छे से। इनफैक्ट इसका ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी दिव्या ने एनसी करवा के रखा है। करवा चौथ के दिन ये आया था और उस दिन भी मारपीट करके गया है उसके साथ। और एक तो शादी के बाद से ही वो दिव्या को रोज मार रहा है, उसकी ज्वेलरी भी चुरा के ले गया है, हर एक चीज इस आदमी ने जो दिव्या के साथ किया है विद प्रूफ मैं आप सबके सामने एक एक करके मैं एक्सपोज करूंगी। बट उससे पहले तू सुन ले गगन गबरू, तेरी जिंदगी अब जेल में ही सड़ेगी, ये तू आज समझ ले। तूने जो किया है ना दिव्या के साथ, उसका हिसाब तो भगवान ही तेरा अब करेगा। दिव्या तो अब बहुत अच्छी जगह पे है, वो भगवान की ही बच्ची थी और भगवान के पास ही है, और अंकल को भी नहीं देखा गया उसकी सफरिंग्स, इसलिए वो आज हमें छोड़ के चली गई है। पर तूने दिव्या को हमसे छीना है ना, तू देख जिंदगी भर तू और तेरी माँ जेल में ही सड़ेंगे। तू देख गगन गबरू, तू देख, लीगल काउंसलिंग करेगा तू? क्या लीगल काउंसलिंग लिख के रखा तू अपने प्रोफाइल पे? लीगल काउंसलिंग या जेल में जाके करेगा या जेल में करके सीख के आया है जाके 6 महीने रह के? तू देख, अभी तेरी पब्लिसिटी मैं करवाती हूँ, तू देख।